आईपीएल 2022 के पांचवें मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। एक तरफ जहां हैदराबाद लगातार प्लेऑफ की दावेदार रही है, वहीं दूसरी ओर पहले सीजन में चैंपियन बनने के बाद राजस्थान का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। टीम चार बार प्लेऑफ में जरूर पहुंची है, लेकिन एक बार भी वो यहां से आगे नहीं जा पाए। मंगलवार 30 मार्च को होने वाले इस मैच से पहले ये दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ 15 बार खेल चुकी हैं। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 जबकि राजस्थान ने 7 मैच जीते हैं। इन दोनों के बीच हुए मुकाबले में संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 512 रन बनाए हैं। एसआरएच के लिए शिखर धवन ने 253 रन जोड़े थे। राजस्थान के लिए जेम्स फोकनर ने इन मुकाबलों में सबसे ज्यादा 12 विकेट झटके हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 10 विकेट लिए हैं। दोनों टीम्स की एक बात कॉमन है, दोनों ने आईपीएल ट्रॉफी सिर्फ एक बार ही जीती है। राजस्थान ने शेन वॉन की कैप्टेंसी में पहले ही सीजन खिताब अपने नाम किया था। दूसरी तरफ सनराइजर्स को डेविड वॉर्नर ने 2016 में ट्रॉफी दिलवाई। अब आगे बढ़ते हुए टीम्स की बात करें तो राजस्थान के पास जहां जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट और शिमरन हेटमायर जैसे फॉरेन स्टार्स हैं, वहीं उनका साथ देने के लिए रवि अश्विन, देवदत्त पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे इंडियन प्लेयर्स भी हैं। कृष्णा इस टीम के सबसे महंगे प्लेयर हैं, जिन्हें राजस्थान ने 10 करोड़ में खरीदा था। टीम में युजी चहल, नवदीप सैनी, नेथन कुल्टनाइल और जिमी नीशम जैसे प्लेयर्स भी हैं, जो अपने दम पर अकेले कोई भी मैच निकाल सकते हैं। टीम का कोर पिछले कई सीजन से बेहतर लग रहा है। फैंस की उम्मीदों की बात करें तो राजस्थान ने 26 साल के शुभम गढ़वाल को भी खरीदा है। गढ़वाल ने लोकल टूर्नामेंट्स में खूब भौकाल मचाया था और लोग उन्हें देखने के लिए बेताब हैं। राजस्थान में जन्मे शुभम 26 साल के हैं और जोधपुर से आते हैं। उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन इनकी बैटिंग ऐसी है कि फैंस इन्हें आईपीएल 2022 ऑक्शन से पहले से ही खोज रहे थे। सनराइजर्स ने ऑक्शन से पहले केन विलियमसन, अब्दुल समद और उमरान मलिक को रिटेन किया था और इसके बाद टीम ने मेगा ऑक्शन में कुल 20 प्लेयर्स खरीदे। टीम के लिए सबसे महंगे इंडियन प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर रहे, जिनकी बोली 8.75 करोड़ पर रुकी। विदेशी प्लेयर्स में पूरन का बोलबाला रहा और हैदराबाद ने उनके लिए 10.75 करोड़ खर्च किए। डेविड वॉर्नर के जाने के बाद केन विलियमसन पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। केन अब टीम के वो प्लेयर बन चुके हैं जिनसे सनराइजर्स फैंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उम्मीद करेगी। देखना ये भी होगा कि केन ओपनिंग रोल में नजर आते हैं या टीम के लिए मिडल ऑर्डर को मजबूती देंगे। दूसरी ओर रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन मैदान से बाहर की बातों के चलते चर्चा में हैं। इंडियन टीम से अंदर बाहर होने वाले सैमसन इस सीजन फिर अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके नेशनल टीम के चांस और मजबूत हो सके। सैमसन पर यह भी जिम्मा रहेगा कि वो इस टैलेंटेड टीम के लिए खूब रन बनाकर एक सही मिसाल सेट करे। इन दोनों टीम के बीच हुए मैचेस की बात करें तो आईपीएल 2021 का पहला लेग याद आता है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2021 का 28वां मैच खेला जा रहा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया। यशस्वी जायसवाल के तीसरे ओवर में आउट होने के बाद कैप्टन सैमसन क्रीज पर आए, फिर बटलर सैमसन ने आग ही लगा दी। खासतौर से बटलर अलग ही रौ में थे। उन्होंने इस मैच में 11 चौके और 8 छक्के मारकर अकेले 124 रन जड़ दिए। इस पारी को आईपीएल हिस्ट्री की सबसे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस में से एक माना गया है। सैमसन ने भी बटलर का खूब साथ निभाया। कैप्टन ने 33 बॉल्स में 48 रन बनाए। बटलर की पारी ने टीम का टोटल 220 तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के लिए मनीष पांडे और जॉनी बेस्टो ने तेज शुरुआत की। पहले 6 ओवर में इस जोड़ी ने 57 रन जड़ दिए, पर इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने पांडे को चलता किया। इसके बाद सनराइजर्स की बैटिंग को लगातार झटके लगते रहे और पूरी टीम 165 पर निबट गई। तो ये था राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रीव्यू। ये आपके लिए लिखा है पुनीत ने, मैं हूँ गरिमा। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।